जैसा कि हम लोग जानते हैं फूड में स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम फूड में आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे। पहले मैं पोटैटो लेती हूँ, फिर मैं इसमें आयोडीन सॉल्यूशन को डालूंगी। देखिए पोटैटो का रंग ब्लैक हो गया है, इसका मतलब इसमें स्टार्च पाया जाता है। फिर मैं टोमेटो में देखती हूँ, टोमेटो का रंग ब्लैक नहीं हुआ है, इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं पाया जाता। अब मैं प्याज को लेती हूँ, देखिए प्याज का रंग भी ब्लैक नहीं हुआ है, इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं पाया जाता है। अब मैं चपाती को लेती हूँ, चपाती में स्टार्च पाया जाता है इसलिए इसका रंग ब्लैक हो गया है।